हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। एंड मैं आ गई हूँ आज अपनी सीरीज के सेकंड वीडियो के साथ। एंड टाइटल से तो आपने पढ़ ही लिया होगा, आज मैं ऐसा कौन सा टॉपिक लेके आई हूँ जिसके टॉप सिक्स मैं बताने वाली हूँ आपको। सो यस, आई एम गोइंग टू टेल यू डिफरेंट टाइप ऑफ स्लिंग्स, सिक्स डिफरेंट टाइप ऑफ स्लिंग्स दैट यू शुड ओन। इसके बाद अगर आपने ये ले लिए ना इस टाइप के पैटर्न के स्लिंग्स, तो आपको मुझे नहीं लगता है कि दूसरे स्लिंग्स पे बहुत जल्दी इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। एंड मैं जो बता रही हूँ वो बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, इट्स ऑन बजट साइड, बट या दे लुक ट्रेंडी। और मैं एक दो ऑप्शन, आई एम नॉट सेइंग दैट मच, बट एक दो ऑप्शन ऐसे दूंगी दैट विल गो बोथ विथ एथनिक ऑल्सो एंड विथ वेस्टर्न ऑल्सो। तो आपके पास लाइक वो एथनिक वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, मैं एथनिक पे कौन से पर्स कैरी करूँ, क्यों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विद द फर्स्ट कैटेगरी इज शेप स्लिंग्स, लाइक स्पेसिफिक शेप के स्लिंग्स। टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ स्लिंग, सो दिस इज अ सर्कुलर स्लिंग, ओके। एंड एक्चुअली आई हैव परचेज दिस फ्रॉम बाली, बट आई थिंक इंडिया में इसके बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं। आई एम टेलिंग स्पेसिफिकली कि ऐसे शेप्स वाले पर्स लीजिए, ये जो होते हैं ना ये सूट्स पे भी जाते हैं और वेस्टर्न के साथ तो अच्छे लगते ही हैं, वन पीसेस पे एंड जीन्स पे भी। तो इसी के साथ एक और शेप कैटेगरी में ये पर्स है, दिस इज लिटिल बिट ऑफ फंकी, ये वेस्टर्न के साथ ही जाएगा। जैसे आपने वन पीसेस कैरी किया हो तो यू कैन टेक लाइक दिस। इसमें प्लेन कैटेगरीज भी आती है, आई एम टेकिंग मिनियन बिकॉज आई लव देम। तो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेकंड कैटेगरी इज ब्लैक, ओके। देखो अगर आप मतलब स्लिंग्स या पर्स कैरी करती हो और आपके पास ब्लैक कलर का पर्स नहीं है, आज ही परचेज करो, बिकॉज ये सबसे पहली नीड होती है। एंड मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि ब्लैक विल गो विद एवरीथिंग, ठीक है। मतलब इवन कई बार ऐसा होता है ना यार कि आप साड़ी पे भी कुछ भी पहना हो, आपको फॉर अ सडन टाइम ना हो तो आप ब्लैक कलर का पर्स ले ही सकते हो। तो अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा हो तो आप जरूर से लेना। एंड जो मैं पर्स आपको दिखाने वाली हूँ दैट इज अ वेरी नाइस पर्स विच आई हैव परचेज फ्रॉम मिंत्रा एंड द ब्रांड इज फ्लाइंग बेरी। ये बहुत न्यू ब्रांड है, बहुत ज्यादा आपने नहीं सुना होगा, स्टिल 1000 का पर्स है। आई नो इट्स ऑन कॉस्टलियर साइड लाइक 999, बट आई गॉट इट ऑन सेल। मैंने कुछ 700-800 का खरीदा था आई थिंक, बिकॉज 1000 रुपये तो मुझे ज्यादा ही लगा था उसके हिसाब से। बट मैं बताऊँ जब मैंने इसको परचेज किया था, क्वालिटी इज अमेजिंग। अगर आप 1000 रुपये भी दे रहे हो ना तो इट्स वर्थ। बहुत स्टर्डी क्वालिटी है, बहुत अच्छी है एंड बहुत स्पेशियस है। अगर इफ यू कैन चेक लाइक देखो इसमें दो पॉकेट्स भी हैं, यहाँ पे एक चेन भी है और पीछे भी एक चेन है, मतलब इतना सारा है, काफी स्पेस है। ये आप देखोगे ना तो इतना चौड़ा है, तो इसमें आप गॉगल पर्स मोबाइल सब कुछ ऐसे एक साथ रखोगे ना तो भी ये काफी स्पेस देता है। तो मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया। ये तो था डेली के लिए, अगर आपको पर्स इस्तेमाल करना है तो एक ब्लैक सॉलिड पर्स आपके पास होना ही चाहिए, और एक पर्स होना चाहिए, वैसे तो वो भी काम कर जाएगा बट स्टिल बता रही हूँ कि एक पर्स होना चाहिए जो थोड़ा सा पार्टी वेयर हो, ब्लैक नहीं। तो मैंने ये पर्स परचेज किया, आई लव दिस पर्स। मैं नहीं बता सकती कि मैं कितना ज्यादा इस पर्स को पसंद करती हूँ, कि इसका जो पैटर्न है इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट हैज दिस बो एंड इट्स वेरी शिमरी, इट्स वेरी नाइस। इसमें ऐसे हैंडल भी है, ये मैंने शीन से लिया था और ये वन ऑफ द बेस्ट परचेज थी मेरी शीन से, आई लव दिस पर्स। इसका भी कुछ प्राइस अराउंड 700-800 था, बट इट इज टोटली वर्थ इट। तो ऐसे काफी है अवेलेबल मिंत्रा पे भी, आई ट्राई टू सर्च इट। मैं सर्च करके आपको कुछ इसी तरीके का पर्स लिंक में जरूर दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक। सो दैट इज द सेकेंड कैटेगरी। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड कैटेगरी। सो थर्ड कैटेगरी इज फॉर न्यूड कलर और न्यूड बेज और न्यूड पिंक, न्यूड साइड ऑफ ब्राउन एंड पिंक, ओके। ये आफ्टर ब्लैक कोई कलर जो सबके साथ जा सकता है दैट इज न्यूड, क्योंकि न्यूड क्या होता है, बहुत लाइट पेस्टल कलर्स होते हैं तो ये सबके साथ ना जम जाते हैं कहीं ना कहीं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक दिस काइंड ऑफ थिन स्लिंग्स, ओके। ये जो स्लिंग्स होते हैं थिन स्लिंग्स, ये वेस्टर्न के साथ भी जाते हैं, इंडियन के साथ भी जाते हैं, दे लुक फैब।
तो ये मेरे को गिफ्टेड था, ये मेरी फ्रेंड, बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, उसने मुझे गिफ्ट किया था. एंड आई लव 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 दिस पर्स. काफी सी इट इज वेरी मच स्पेशियस ऑल्सो, दो इट इज थिन बट स्पेशियस. और इसको दोनों तरीके से कैरी कर सकते हैं, यू कैन कैरी इट लाइक दिस एंड इट हैज स्लिंग, यू कैन कैरी लाइक स्लिंग ऑल्सो. सो ऐसा कलर, इफ आई थिंक इफ यू आर एबल टू सी इट प्रॉपरली, दिस इज प्रॉपर न्यूड पिंक कलर. ये सबके साथ जाता है, बहुत अच्छा होता है. एंड मैं तो रैंडमली कभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, सो आई कैरी दिस. तो बहुत अच्छा पर्स है. उसके अलावा आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूड लाइक ब्राउन का शेड, दैट इज दिस काइंड. ओके, तो ये भी ऐसा, इसका सेम कैटेगरी थिन स्लिंग, और इसमें भी चेन है. ये उतना स्पेशियस नहीं आई नो, बट दिस इज फॉर लाइक आप साड़ी वारी पहनते हो या सूट पहनते हो, एंड इफ यू जस्ट वांट टू कीप योर लिटिल बिट ऑफ कैश आपका मोबाइल, तो दिस इज वेरी नाइस. सी इसमें पीछे भी चेन है. तो ये इस टाइप ऑफ पर्स जरूर परचेज करके अपने पास रखो, ताकि कभी भी इमरजेंसी में आपको यू नो हमें साड़ी पे समझ में नहीं आता हम क्या कैरी करें, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. नाउ द फोर्थ कैटेगरी इज अबाउट यू नो प्रिंटेड और एब्स्ट्रैक्ट पर्सेस, एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन पर्सेस. सो जैसे कि ये आई डोंट नो, मतलब अगर आप एनिमल प्रिंट के या दिस चीता प्रिंट के फैन हो कि नहीं, बट ये बहुत ट्रेंडी होता है, बहुत ज्यादा ट्रेंडी. इससे बहुत सारे पैटर्न्स आते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रही कि स्पेसिफिकली यही पैटर्न परचेज करना है, बट इसमें बहुत सारे पैटर्न्स आते हैं, तो आप वो परचेज कर सकते हो. बट दिस काइंड ऑफ पर्स यू शुड हैव ऐसे, मतलब कोई भी शेप में ले सकते हो, कैसा भी पैटर्न ले सकते हो, बट मेरा जस्ट कहना है कि ट्रैक प्रिंट यू शुड हैव. क्योंकि क्या होता है, जब अपने प्योर ब्लैक ड्रेस पे नहीं हो तो आप यार ये कैरी करोगे ना, दैट विल इनहांस योर लुक टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. ओके, सो द फिफ्थ कैटेगरी दैट यू शुड यू मस्ट हैव इज डेनिम. या सो आपके पास डेनिम का ऐसा स्लिंग होना ही चाहिए. आई एम नॉट स्पेसिफिकली सेइंग कि इसी टाइप का, बट ऐसा छोटा क्यूट, क्योंकि यार जब आप यू नो ऐसे कुछ शूज, ऐसे कुछ शूज के साथ वन पीस पहनते हो या डेनिम ड्रेस पहनते हो, तो उसके साथ ये मैचिंग होना चाहिए. और सबके पास डेनिम शर्ट, डेनिम ड्रेस होती ही होती है, तो डेनिम पर्स भी होना चाहिए. आई हैव यू नो दिस पर्स वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई हस्बैंड एंड इट्स फ्रॉम H&M. बहुत ब्यूटीफुल पर्स है, बहुत ब्यूटीफुल. इसका साइज इतना कॉम्पैक्ट है, इट दो इट हैज अ लॉट ऑफ स्पेस इनसाइड, मतलब फोन और कैश एंड ऑल मैं कैरी कर सकती हूँ. इट हैज चेन इनसाइड ऑल्सो, थोड़ा बहुत मेकअप लाइक लिपस्टिक एंड कॉम्पैक्ट यू कैन कैरी, और यू आर गुड टू गो. एंड या आई रियली 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 लव दिस. लास्ट कैटेगरी दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज लिटिल बिट ट्रेंडी, लिटिल बिट फंकी. एंड आई थिंक आज के समय में, मतलब अगर आप ऐसे कलेक्शन करना चाहते हो, तो ये डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए. सो आई एम टॉकिंग अबाउट होलोग्राफिक. या दिस इज, आज के समय में आपको पता होगा यार होलोग्राफिक का क्या डिमांड है. पीपल आर यूजिंग नेल्स, पीपल आर यूजिंग स्क्रंचीज एंड वॉट नॉट, टॉप, आई कैन नॉट से शूज, वॉट नॉट. तो इफ यू आर फॉन्ड ऑफ लाइक होलोग्राफिक प्रिंट्स और कलर्स, यू कैन डेफिनेटली टेक सम काइंड ऑफ पर्स लाइक दिस स्लिंग. ये होते ना वो राजा टाइप, इनको ना कलर से मतलब है, ये किसी के साथ भी जा रहे हैं, किसी भी कलर के साथ जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कि जब लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि कितने कलर्स यू कैन सी इन दिस. तो दैट इज वेरी ब्यूटिफुल. तो मुझे तो लगता है ये होना चाहिए, एंड आई डेफिनेटली सजेस्ट यू सम गुड होलोग्राफिक स्लिंग्स. और यहाँ खत्म होता है मेरा टॉप 6 का सेकेंड वीडियो. आई होप आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे होंगे. अगर पसंद आ रहे हो तो ये पूरी सीरीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो, क्योंकि मैं इसमें जो चीजें बता रही हूँ ना, दे आर वेरी हेल्पफुल, और आपका ना बहुत सारा टाइम सेव करने वाले हैं. क्योंकि मैंने आपको ढूंढ के सब कुछ दे देना है कि कहाँ कहाँ पे, आपको जस्ट परचेज करना है एंड यू कैन प्रिपेयर योर वार्डरोब प्रॉपरली. मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट को सब्सक्राइब करिए. एंड येस, एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योर सेल्फ. बाय बाय, सी यू टुमारो.